ऐसा क्या कह दिया यार हमने? अरे प्यार में दो लोग हमेशा एक दूसरे से प्यार ही करें, ऐसा कोई रूल नहीं है। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं कभी कभी उन्हीं का मर्डर करने का मन करता है। मेरे हिसाब से आपको तब तक किसी से प्यार नहीं होता है जब तक आपको एटलीस्ट एक बार उनका खून ना करना चाहो। नहीं जाना उस नवीन के घर पे, आपको ड्रिंक करनी है आप जाइए। हाँ, हमारे जन्मदिन पर हम दाल चावल खाकर ही सो जाएंगे। मम्मी पापा के इस खूनी प्यार के बीच अटकाता शौर्य मम डैड के झगड़ों में रेफरी बनने की ट्रेनिंग शौर्य 25 साल से ले रहा था। उनको एडवाइस देते देते एक दिन ऐसा आ गया कि शौर्य लोगों को ज्ञान देने की दुकान ही बन गया। हे प्रभु, हे ईश्वर। मम्मी, डिड यू नो डायबिटीज और हाई बीपी की सबसे बड़ी वजह क्या है? आपके पापा? नहीं, मेलोड्रामा। तो समझा दीजिए अपने पापा को, इन्हें कहिए। लेकिन इन्हें क्या फर्क पड़ता है, इनके लिए तो बीवी खाना बनाने की मशीन है, मशीन। अरे ऐसा क्या कह दिया यार हमने? हाँ, क्या कहा क्या इन्होंने? हमारा जन्मदिन, पूरा दिन कुछ नहीं कहा। हम तो इसी सस्पेंस में बैठे रहे कि इन्हें याद भी है या नहीं। ऐसा मत कहिए। अरे सुबह किसी दी तो थी। हमें लगा हर साल हमें होटल में लेकर जाते हैं, लेकिन हमारे 50th बर्थडे पर कुछ तो अलग करेंगे। घर आने के बाद हमी से इत्मीनान से पूछ रहे हैं कि होटल जाना है। हमी से पूछ रहे हैं। अरे भाई आप पूछ तो रहे हैं, नहीं जाना है तो ना कह दीजिए, नहीं लेकर जाएंगे। अरे इन्हें कहीं लेकर जाना ही नहीं है, बीवी तो घर की नौकरानी है, नौकरानी। मम्मी कैसी बातें कर रही है, सुबह सुबह नौकरानी को कोई किसी देता है? नहीं। अरे हम कब ना कह रहे हैं, चलते हैं ना नवीन के पास। हा? हमें नहीं जाना उस नवीन के पास। एक तो उसकी मिसेज के साथ हमारी बनती नहीं है, बातों बातों में हमें मोटी कह देती है, हमें जैसे समझ नहीं पड़ता। और हाँ, पिछली बार आप कब हमें पिक्चर दिखाने ले गए थे? इन्हें बता, हमें पिक्चर देखना कितना पसंद है। तो चले पिक्चर देखने। शुभ करू, हमारे बोलने के बाद क्या फायदा? ये। सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? आप जितना बोल रहे हैं वो उतना भड़क रही है। आपके शब्दों का कोटा खत्म होने वाला है मिस्टर ज्ञान प्रकाश सिंह जी। मैक्स टू मैक्स दो शब्द बाकी रह गए आपके पास। समझदारी से पिक्चर चले। हाँ। हमें नहीं जाना कोई पिक्चर विक्चर। तो फिर क्या करे? हमने आपके लिए हार्ट बनाया है, देखिए। सर ड्रिंक्स मेनू में कुछ चाहिए? आप जी एक बियर लेके आइए। ब्रेड ब्रेड लेके आइए। आप क्या कर रहे हैं? सिचुएशन का नजाकत तो देखिए। आप एक काम कीजिए, दो फ्रेश लाइम सोडा ले आइए। डिड यू नो नींबू में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स कंट्रोल करने के काम आते हैं। दो जल्दी। ओके। कितनी पतली हो गई हो, समोसा खाओ ना। सो स्वीट ऑफ यू। एक वहां वो अटका था तो एक यहां साक्षी। साक्षी भी प्यार में किसी का खून करने के वर्ज पे थी। जिसका वो खून करना चाहती थी उसका एक्स बॉयफ्रेंड। एक्चुअली इस वक्त उसका खून नहीं करना चाहती थी, सिर्फ उसको कहीं मिलकर यह एहसास दिलाना चाहती थी कि बॉस मैं तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रही हूं। और उसे इस बात का एहसास दिलाने के चक्कर में उसका पीछा करते करते यहां रेस्टोरेंट तक पहुंच गई। देखिए हमको लगा क्या कि आपका 50th बर्थडे जो है वो पिछले साल था। अरे पापा आप नींबू पानी पीजिए ना। तो पिछले साल क्यों नहीं किया कुछ? मम्मी सूप। फिर आपने कुछ नहीं कहा तो हमें लगा कि 49th ही होगा। अच्छा जस्ट अ मिनट। हाँ
मैंने क्या किया? हम अभी आए। साक्षी, अरे बाहर आओ, मैं देख सकता हूँ तुम्हें। यश आप, सो नाइस टू सी यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आज हमारा डे ऑफ था ना, तो बस इसीलिए हम यहाँ आ गए। अच्छा, गार्डनिंग करने आई हो, वो भी अकेले? अकेले? किसने कहा तुम्हें हम अकेले आए? हम अपने बीएफ के साथ आए। बीएफ? हाँ, क्यों? हमारा नहीं हो सकता, हमारा तो है। अच्छा, कहाँ है? वॉशरूम गया है। हाँ, वॉशरूम गया है। अच्छा, चलो आने दो उसे। आई लाइक टू मीट हिम। मीट हिम? क्यों? क्यों मिलना तुम्हें? बस हमें लग रहा है तुम झूठ बोल रहे हो हमसे। हम क्यों झूठ बोलेंगे तुमसे? चलो चलो अभी मिलाते। हाँ चलो। यश, हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं, और ये कौन है? ये कोई नहीं। कोई नहीं? अच्छा कम बैक ना यश, आपने हमें बोला था आप अपने हाथों से हमें मंचूरियन खिलाएंगे, और जब तक आप नहीं खिलाएंगे हम नहीं खाने वाले। बेबी बस दो मिनट। नहीं नहीं, दो मिनट मिनट नहीं, चलिए ना प्लीज ना, चलिए। इसमें छेद ही नहीं है, हम भी कहाँ फंस जाते हैं बार बार, समझ में नहीं आता। अरे क्या बीएफ हम? मैडम हमें अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आप है कौन? बेबी बेबी, शौर्या कौन थी ये लड़की? पता नहीं। शुक्र है वो जो भी थी लड़की थी। हाँ अच्छा ही हुआ। शौर्या? सर क्या कर रहे हो? Anyway. और शौर्या आप क्या कर रहे हो? मेरी एक फॉर्मर स्टूडेंट आ रही है, उसको मदद की जरूरत है, तो क्या आप मदद कर सकते हो? सर अभी 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 तो मैं लंच पे जा रहा था सर। ओके ओके, साक्षी बेटा आप आ जाओ आ जाओ। सर ये आपकी स्टूडेंट है? हाँ ये साक्षी है, और ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर आई है, बहुत ही अच्छी लड़की है भाई। और साक्षी ये शौर्या है, हमारी स्कूल के मैनेजमेंट में है, स्कूल के सारे इवेंट्स प्रोजेक्ट्स बजट्स फिजिबिलिटी देखना इसका काम है। हेलो। हाय, हम साक्षी हैं। हम शौर्या। हाउ आर यू डूइंग? चल रहा है चल रहा है, वेरी नाइस। भाई शौर्या तुम शर्मा क्यों रहे हो? हाँ भाई एक दूसरे को मिल लो। नहीं नहीं सर, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। सर डिड यू नो टेक्निकली किसी से मिलना मतलब उसका नाम जानना होता है, सर आइडिया शेयर करने होते हैं, और हमने तो शेयर सिर्फ सर सर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। यार लगता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। नहीं नहीं सर, नहीं 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 नहीं, मिल तो चुके हो दोनों, झगड़ा हुआ था क्या आपस में? नहीं नहीं सर नहीं। अरे चलो नाराज नहीं रहते, साक्षी शौर्या कम ऑन हाथ मिला लो, किस एंड मेकअप कम ऑन। नहीं 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 नहीं, किस करने को एक्चुअली नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं तो अभी जा रहा हूँ हमारी केबिन में, बस आप लोग आपस में डिस्कस कर लो। साक्षी और शौर्या की कहानी शुरू हुई किस के साथ, जिस चीज के लिए बाकी लड़के पूरी जिंदगी बिता देते हैं, शौर्या को बिना मांगे मिल गए। अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जलाने के चक्कर में साक्षी ने एक अनजान लड़की को किस कर दी, और फिर अगले दिन उसे पता चला
कि उसी लड़के से साक्षी को अपना प्रोजेक्ट अप्रूव करवाना। एक तरफ शौर्य, ज्ञान की दुकान, हर चीज के बारे में 100 बार सोचने वाला, वहीं दूसरी तरफ थी साक्षी, बिना सोचे समझे झट से कुछ भी करने वाली। अब इन दोनों की बनती भी तो कैसे बने? सुनिए, हमने एक नई इवेंट कंपनी स्टार्ट की है। हम बच्चों के लिए फन इवेंट्स और एक्टिविटीज प्लान करते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। वेरी नाइस, आप तो पढ़ भी नहीं रहे। पढ़ रहे। देखो बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट, तो अप्रूव समझ ले। हाँ हाँ जरूर, ये लीजिए साक्षी। स्टैम्प तो लगाया नहीं आपने। कॉन्ग्रेचुलेशन। Rejected? Huh? पानी आप खुद ही पी लीजिए। कमाल है। साक्षी जी, गलत स्टैम्प लगा दिए हम। साक्षी जी, आपने तो रिजेक्टेड का स्टैम्प लगा दिया। ठीक है, अगर आपको नहीं पढ़ना ना तो हमें भी कोई शौक नहीं आपके इस घटिया स्कूल में प्रोजेक्ट दिखाने का। आप शांत हो जाइए, गलती हो गई। बैठिए ना, बैठिए। नहीं पढ़ोगे आप भी? अरे मैडम, हम ही पढ़ेंगे। अब शांत हो जाइए ना। हम ऑलरेडी 4 स्कूल से रिजेक्ट होकर आपके पास आए, कोई नहीं पढ़ता, फिर महीने 2 महीनों के बाद ये रद्दी में चला जाता है। क्या फर्क पड़ेगा, आप 2 मिनट निकाल कर पढ़ लेंगे तो। शांत। वैसे हम बात कहें आपसे साक्षी जी, साइकोलॉजी ना हमारा मेजर था। तो कंक्लूड, आप सिर्फ इसीलिए गुस्सा हो रही है क्योंकि आप रिग्रेट कर रही है हमें किस करना। क्या? सॉरी। सॉरी? सॉरी क्या होता है? एक तो आपने हमारे मम्मी पापा के सामने हमें किस कर दिया। डिड यू नो 50% चांस है कि हम मैरिड है, 25% चांस है कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड है, और टोटल 75% चांस है कि हम किसिंग करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। हो क्या मैरिड? नहीं, लेकिन गर्लफ्रेंड होती तो। है क्या गर्लफ्रेंड? देखिए पॉइंट वो नहीं है, इज्जत की तो कर दी ना हमारे मम्मी पापा के सामने। क्या बात कर रहे, समझाओ इसे यार। क्या काम है? फाइल लेने आता। जा सर। अरे वाह, लड़की ने आपको किस की और आपकी इंसल्ट हो गई। हमारी कितनी इंसल्ट हुई आपको वो पता है? और आपको क्या लगता है हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही क्या? आपको पता भी है कि हमने आपको किस क्यों की? सही सी बात है, वेट लूज किया है हमने। डिड यू नो 73% औरतें मर्दों की हाइट और मजबूत कंधे देखकर अट्रैक्ट हो जाती है, और हमारे पास दोनों है। सुनो, क्या क्या बोलते जा रहे हो तुम? हम तो सिर्फ अपने एक्स को जला रहे थे। वो लड़का रेस्टोरेंट। हाँ वो, नहीं तो क्या, आपको क्या लगता है हम क्या होटल के बाथरूम के रूम के बाहर खड़े रहते कि जो लड़का आएगा उसे दर्द बोझकर किस कर देंगे? सही बात कर। करेक्ट। फाइल लाया था। क्या हुआ? ये गलत फाइल है। अरे यार ये लो, करेक्ट फाइल, जाओ। साक्षी जी काम डाउन, आप बैठ जाइए ना, आप बैठ जाइए, मैं अभी फाइल देखूँ। आप बैठ जाइए, बैठिए बैठिए, अभी फाइल पढ़ लेते हैं। बच्चों की इवेंट्स कब? क्या बात है। हाँ, स्कूल तो साल में बच्चों को एक बार एक सड़ियल सी पिकनिक पर ले जाता है। हम स्कूल में अपना इवेंट बनाकर देते हैं, उसमें लर्निंग एक्टिविटीज होती है, डांसिंग होती है और बहुत कुछ होता है जिससे बच्चे काफी इंजॉय करते हैं, और वो भी सब कुछ कम बजट में। अरे साक्षी जी, ये सबकी क्या जरूरत है? डिड यू नो 7.3% बच्चों को अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है। ध्यान नहीं लगता उनका स्कूल में, और आप ये सब लाकर उनके लिए और भी डिस्ट्रैक्शंस प्लान कर रहे हैं। स्कूल में बच्चे एंजॉय करेंगे तभी तो उनका ध्यान बना रहेगा।
और ये इवेंट ना एक ही दिन होता है, इससे बच्चों का मोरेल भी बूस्ट होता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक और बार हम देख लेते हैं। वैसे एक बात कहें हम साक्षी जी, एक्स को जलाना हो या जो भी हो, इसे सबके सामने किस कर देना शोभा नहीं देता। अभी शर्म, हया, लज्जा, ये औरत की ताकतें होती है, ताकतें। हाथ मिला लो, अदाप कर लो। हम कोई उमराव जाननी है जो अदाप करते बैठेंगे। और वहां ना उसकी ना लौंडिया आ गई थी वहां पर और कह रही थी बेबी हमें हाथ से मंचूरियन खिलाओ, तो हमारा पारा चल गया। लेकिन फिर भी से खुलिया हम सबके सामने किस कर देना, नहीं नहीं नहीं। वैसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए एक मिनट, एक फ्रेंड है अब्रॉड में, वो मुझे कह रहा था कि ये सब चीजें वहां खुलेआम होती है। अभी अब्रॉड तो नहीं है ना ये। आप सिर्फ ये बताइए कि आपको इवेंट करना है कि नहीं। आप चिल्ला क्यों रही है, शांत हो जाइए, हमने तो ऐसे ही पूछ लिया। वैसे आपकी हेल्प कर दें हम? एक्चुअली ना लोगों के बारे में हमारी इनसाइट हमेशा सही होती है। आप भी थोड़ी बेवकूफ हो हा? लेकिन अभी भी उस लड़के से बहुत प्यार करती हो, और ये जानते हुए भी कि वो आपसे प्यार नहीं करता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप ना ज्यादा बकवास मत करो, और आपको कैसे पता कि वो हमसे प्यार नहीं करता? प्रूफ चाहिए। क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ चाहिए था ना, अपनी आंखों से देख लो। अभी खान मत बनो, हम ही लाए आपको यहाँ। वैसे आपको हमेशा पता कैसे होता है वो कहाँ जाने वाला है? हमारे पास ना उसका सोशल नेटवर्क का पासवर्ड है। वेरी सैड। सच बात कहे, नहीं वरी ना, आपसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है। सच? थैंक यू। नहीं नहीं, उसकी बेटर है। लड़कियों क्यों टाप रहे हो, यश पर ध्यान दो। पर वैसे हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि बात क्या कर रहे हैं। हमें दीजिए, हम बताए क्या बात कर रहे हैं। क्या बेबी, अपने बाल काट लो, देखो कितने लंबे हो गए, आपकी चोटियों से हमें खुजली आ रही है। हमें दीजिए। बेबी तुम्हारे जैसी बीटीएम के लिए हमारा एटीएम हमेशा खुला रहेगा। बेबी। क्या बेबी? बस कुछ नहीं, बेबी 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 बेबी। 2 महीने पहले उसने हमें कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, और अब उसकी टांगों की बारात के साथ बेबी बेबी कर रहा है। अब जवान लड़का बेबी बेबी नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन वो हमारे साथ बेबी बेबी क्यों नहीं करना चाहता? आपको पता है जब भी वो हमारा हाथ पकड़ता था ना, तो हमारी पल्स बढ़ जाती थी, पूरे बॉडी में ना एक फीलिंग जग जाती थी। कैसी फीलिंग? सेंसेशन, दिल में धक धक, पेट में गुड़गुड़, कान में टन टन। जब भी हमारा हाथ पकड़ता था ना, हमारा हाथ ही पिघल जाता था। इतना पसीना आने तक हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। और ये सेंसेशंस को जो आप फीलिंग्स और प्यार समझ रही है ना, ये वो नहीं है। ये बॉडी के हार्मोन और नर्वस सिस्टम का खेल है। लेट मी एक्सप्लेन। डिड यू नो जब अरे तू साक्षी का बॉयफ्रेंड है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं। डिड यू नो टेक्निकली बॉयफ्रेंड की 3 डेफिनेशंस होते। बॉयफ्रेंड बनाने का कल्चर 1920s में। अबे ओए, साक्षी ने तुझे किस कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो तेरी गर्लफ्रेंड हो गई। वो अब भी मुझसे प्यार करती है, समझा? आप तो अलग लेवल के कमीने निकले, अभी आप उसके साथ है ना? अबे मैं किस लेवल का कमीना हूँ तू नहीं जानता, समझा?
चल जा। नहीं हमें यही रहने दीजिए। वो अभी भी हमसे प्यार करता है ना, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा फिर वो उसके साथ क्यों है। आपको दिख नहीं रहा कितना बड़ा कमीना है, आपसे प्यार भी नहीं करता, और अगर आप ना होते एक कंटाप लगा देते उसे हम। आप क्यों कंटाप लगाओगे किसी को, हम आपके हैं कौन। उड़ो यार कहाँ फंस गए, निकल ले हम। अरे कहाँ जा रहे हो, ऑफिस बंद हो गया होगा। घर जा रहे हैं हम, मम्मी पापा ने घर पे दोस्तों को बुलाया है, हम भी चलेंगे। चलो हमारे घर पे। हाँ चलना तो पड़ेगा ना, जो सॉरी जो कहना है उन्हें, और वो भी क्या क्या सोचते होंगे, कितनी करेक्टरलेस लड़की है, एक्सप्लेनेशन तो देनी होगी कि नहीं। चलो यार जान, अरे बस गिराएगा क्या। अरे देखो कौन आया है यार, तुम तो कभी बुलाते नहीं है? अरे भाई तुम्हारा अपना घर है, कभी भी आ जाओ, उसमें बुलाने की क्या बात है। और शौर्या क्या हाल है? बस सब ठीक। तेरे चश्मे किधर गए? लेंसेस। क्या ये लड़की कौन है? ये शौर्या की फ्रेंड है बस। हाय आंटी। चलो यार मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, चलो आइए ना, आइए ना, चलिए चलिए। यार ज्ञान ये मैटर क्या है वो तो बता। अरे नवीन अंकल कुछ नहीं है ऐसा, कलीग है हमारी। देखा कलीग है हमारी। हाँ। पहली बार देखते ही मैडम ने किस कर दिया इसे। गाल पे नहीं, गाल पे नहीं, लिप पे, लिप टू लिप, लिप पे। ओए लौंडा छा गया अपना। अरे फिर अरे ज्ञान एक बात बता, ये लड़की कैसी है? लड़की? अरे एक मिनट एक मिनट, आप दोनों बिना आगा पीछा जाने उस लड़की के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। आग दोनों तरफ बराबर लगी है। गीता तुम गुस्सा मत हो, इसमें शौर्य की कोई गलती नहीं है, ये आजकल की फॉरवर्ड टाइप की लड़कियां होती है ना, ये होती है सुपरहिट। हमें सब पता है हमारा शौर्य ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। वो क्या है ना, आजकल ना उसने थोड़ा सा वेट लूज किया है और उसके हाइट और कंधे काफी ऊंचे, लेकिन कुछ लड़कियों से कंट्रोल ही नहीं होता। अरे आंटी ऐसी गलती ना हमसे पहली बार हुई है, अगर हमारे डैडी मम्मी को पता चल जाता ना तो सबके सामने दो चपेट बजा देते हमें और कमरे में बंद कर देते और हफ्ते भर में हमारी शादी करवा देते। हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, अच्छे संस्कार दिए हमें। वैसे एक बात बता दूं, हमारे जमाने में हमने भी बहुत कुछ किया है। किसिंग? किसिंग? वो भी हमारे जमाने में। वो तो हम आज भी नहीं करते। तो इसका मतलब इसके पहले भी आपका बॉयफ्रेंड था? अरे फॉरवर्ड टाइप की लड़कियां किसे अच्छी नहीं लगती। बाय द वे तुम्हारी साड़ी बड़ी स्लिम है। बाय बाय। आज हमें आशा के साथ बहुत मजा आया। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ, अरे तो कमाल हो गया बेटा, 25 साल के बाद पहली बार इन्हें मेरी दोस्त की फैमिली के साथ अच्छा लगा है। वाह। अरे साक्षी बेटा तुम तो मेरे लिए एकदम गुड लक चार्म हो। थैंक यू अंकल। ऐसी फॉरवर्ड लकी आपके लिए लकी चार्म कैसे बन सकती है? मम्मी साक्षी, मम्मा आप भी ना, साक्षी ठहरिए, साक्षी, अरे साक्षी जी ठहरिए, हमारी बात तो सुनिए। हमें पता है आपको क्या कहना है। क्या? कि आपकी मम्मी मजाक कर रही थी। नहीं हम कह रहे थे कि ये स्पाइडर। आप भी ना, अरे अरे कम से कम आप हंसी तो सही। हमारी 10 सेकंड की बेवकूफ की वजह से ना पता नहीं उस यश ने हमें क्या कर दिया है। छोड़ो ना, हो जाता है, जाने दो। वैसे वो लड़का आपसे प्यार नहीं करता। आपको कैसे पता? Did you know? अब और कम कहे, इंसान 70% चीजें बिना कुछ कहे बोल देता है। पूछो कैसे?
बॉडी लैंग्वेज। उस लड़की के साथ जब वो था उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी आपने, कैसे छाती चौड़ी, और जब आपके साथ था मरीला उखड़ेला, ठीक उसी तरह जैसे आपकी होती है जब हम कहते हैं डिड यू नो। वैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है इस वक्त? मेरी कौन सी? क्या था ये? क्या हमें लगा कि मूड सेट हो गया था वैसा वाला। आपको कोई गलत फहमी हो गई हो ना तो अभी दूर के देते हैं। उस दिन गलती से आपको किस क्या कर दी आप तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगे। हमने आपकी मम्मी को नीचे यही समझा रहे थे। हाँ। हमने फॉरवर्ड टाइप की लड़की में समझी आप। नहीं, नहीं। हम चाह रहे हैं सॉरी हमारे पीछे बताइएगा आप। आप इस चीज को पर्सनली मत लीजिए। कैसे भी लूं पर्सनली? एक तो कल आपने हमें किस की और हमारे ना कहने के बाद आपने हमें प्रपोजल ही रिजेक्ट कर दिया। देखिए स्कूल बोर्ड ऐसे बेकार के खर्चे अप्रूव नहीं करेगा। इस स्कूल को पैसों की प्रॉब्लम है, आप बात समझिए। अंडरस्टैंड? इनको क्या लगता है हमारे प्लान के बारे में आप वो बताइए। ऊपर आऊं मैं? मारा भी तो नहीं। देखिए प्लान बहुत अच्छा है लेकिन पूरी कमेटी का डिसीजन है। हम मदर प्रॉमिस खाकर कह रहे हैं, हम ये पर्सनली नहीं ले रहे। इसका मन साफ होता है ना वो इनसिक्योर नहीं होते हैं। क्या कह रहे थे आप? देखिए बात सुनिए, आपका प्रोजेक्ट इसीलिए अप्रूव नहीं हो रहा है क्योंकि आप अपने खाने पीने का सामान बहुत महंगी जगह से ले रही है। अगर हम आपकी सेटिंग एक ऐसे वेंडर से करवा दें जो आपको खाने पीने का और डेकोरेशन का सामान कम से कम दाम में दे तो तुम यहां क्या ये? कुछ नहीं बेटा, नया प्रोडक्ट है, मैं ट्राई कर रहा था। ट्राई कर रहे थे प्रोडक्ट? अच्छा पापा हेल्प कर दीजिए ना। हेल्प? हाँ हेल्प। एक मिनट, दाम बहुत महंगे मिल रहे हैं इसीलिए प्रोजेक्ट पास नहीं हो रहा। अभी हम सोचे कि मदद कर लेते हैं बेचारी की थोड़ी सी, है ना? आपके तो इतने सारे वेंडर्स के साथ जान पहचान है। हाँ। आप अगर कॉल कर देते तो हेल्प हो जाती। हाँ, करते हैं। थैंक यू। आपके पापा को ऐसे काम पर लगाते हुए ना हमें अच्छा नहीं लग रहा। इसमें क्या है, इतना तो कर ही सकते। लो कर लो बात अपने वेंडर से। हाँ, आप प्राइस में बोला है। सच? हाँ। इस लड़के ने साक्षी की किस के बारे में बुरा नहीं माना, फिर जाकर यश के बारे में पता करने में उसकी मदद की और अब ना सुनने के बाद भी उसकी हेल्प कर रहा था। और तब साक्षी सोचने लगी कि ये शौर्या गलत बंदा नहीं है। हाँ बकवास कितनी भी करता हो लेकिन दिल का अच्छा है। और शौर्या साक्षी तो यश की वजह से ही तो मिले थे पहली बार। बस ये लव स्टोरी धीरे धीरे लव ट्रायंगल बन रही थी। बाय अंकल। बाय। एक्चुअली हमें ना आपको भी थैंक्स बोलना चाहिए। जब आपने कहा था ना कि हमारा प्रोजेक्ट थ्रू नहीं होगा तो दो मिनट के लिए हमारी सांस ही अटक गई थी। अरे साक्षी जी अरेंजमेंट्स हो जाती है,
अभी इन सब चीजों में सांस अटकेगी तो कैसे चलेगा? Did you know, कछुए अपने पिछवाड़े से भी सांस ले सकते हैं? आपको कछुए की तरह बनना पड़ेगा, जरूरत पड़ने पर पिछवाड़े से सांस लेनी पड़ती है। अब हमें समझ आ रहा है धीरे धीरे कि आपकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो ये ज्ञान देते रहते हो ना, डिड यू नो, लड़कियां ऐसे बोर हो जाती हैं। आप बेमतलब की बातें क्यों कर रही है? आपकी वेंडर से बात हो गई ना? अरे हमने तो वीक पॉइंट पे वार कर दिया। वैसे एक और चीज इम्प्रूव करनी पड़ेगी। क्या? आप ना बहुत ही बकवास के सुर हो और लड़कियों का ना बकवास के सुर बहुत टर्न ऑफ करते हैं। देखिए, एक तो आपने उस दिन हमें अचानक से दबोच लिया और हम प्रिपेयर भी होकर नहीं आए थे। ओ बच्चू, जिस दिन किसी लड़की को सच में किस करना पड़ेगा ना, तब याद करोगे। अब हमारी ना एक दोस्त ने हमें बताया था कि आम के साइड में छेद करके बिना दांतों के बीच तक पहुंच जाओ, 3 दिन के अंदर अच्छे केसर बन जाओगे। Did you know that? या, बता दे उसे, हम चाहे कितने भी आम क्यों ना किस कर ले, हम कोई आम किसर नहीं है। आप अपने पापा की शॉप पे डेली आते हो? अरे कुछ पूछ रहे हैं हम आपसे। हाँ भाई, क्या कर रहे हो ये? आप देखे तो सही हम कितने दूर खड़े हैं आपसे। इतने भी दूर खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है, आज मूड में चेंज? बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं है, हेल्प कर रहे हो इसलिए। एक मिनट यहाँ आओ, जल्दी आओ। हाँ ऐसे करो, करो ऐसे ऐसे। ऐसे अच्छा है ना? ये हमें सारे भेजो ना, खुद ही भेज लो। Okay. हम अभी आए। क्या है? क्या क्या है? आप हमारी फोटोज उस यश को क्यों भेज रही है? दीजिए, हमारा फोन दीजिए। आप उसे जलाना चाहती है ना? अभी तक उस पर अटकी हुई है आप, इसीलिए हमसे दोस्ती की थी, आप समझ में आया? देखिए, आपको ऐसा लग रहा है हमने आपका फायदा उठाया, लेकिन 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 क्या? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पर्सनली मत लीजिए। पर्सनली कैसे नहीं लूं? हमें लगा था मम्मी जी के सामने आपको सचमुच में बुरा लगा होगा। हाँ वो सच है, हमें बुरा लगा, इसलिए हम सॉरी कहने आए थे। अपना प्रोजेक्ट अप्रूव कराने के लिए जब हमसे मदद लेने आई थी, तब भी गिल्टी फील नहीं कर रही थी आप? हमने जितना सोचा था ना, आप तो उससे भी फॉरवर्ड टाइप की लड़की निकली। हाँ हमें तो लगता है आप तो बियर भी पीती है अब। देखिए पता नहीं आप क्या क्या बोलते जा रहे हैं, मेरे और यश के मैटर में मत आइए, वो हमारा पर्सनल मैटर है। और हमारे फोटोज का क्या, जब पब्लिकली शेयर कर रही है? आपने भी फॉरवर्ड टाइप की कहा ना? ये अच्छा है, अब ये भी हमारी गलती ठहरा दीजिए आप। एक हम ही है जो आपके पीछे पड़े हैं। यश ने तो आपको छोड़ दिया है मैडम जी, मान लीजिए आप। जाइए जाइए, अपने मम्मी जी के पास जाइए और दोनों मिलकर हमारी बुराइयां कीजिए। देखिए, हमारी मम्मी जी को बीच में ना लाइए, आप जैसी लड़की के मुझसे।
आपके जीवन में आने वाली लड़की कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लोगे उसे भगाने का। पापा वो बात नहीं समझ रही थी हमारी, हम कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रही है। आप वेंडर्स को कॉल कीजिए और ऑर्डर कैंसिल करा दीजिए। अगर यही बात हम आपकी मम्मी के बारे में बोलेंगे तो आपको तो हमारी गलती दिखाई देगी। लेकिन वो तो हमारी मम्मी है ना। अच्छा ये बताओ, आप भी उस लड़की से प्यार करते हो ना? छोड़ो ना पापा, वैसे भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें। आखिर आप हमारे ही बेटे निकले, 25 साल से आप हम दोनों को झगड़ते हुए देख रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सीखे। बेटा एक बात जान लो, औरतों को समझाना पड़ता है कि वो भी आपसे प्यार करती है। आपकी फेस वैल्यू पर कौन आपसे प्यार करेगा? शकल देखिए आईने में। अरे आप तो जले पे तड़का फेंक रहे हैं। अम्मा तो फिर जल लो ना थोड़ा सा, बस यही तो एक डिफिकल्ट पार्ट है। लेकिन एक बात जान लो, वो लड़की आपके हाथ से छूटने वाली है, और इससे पहले कि कोई और उसे कन्विंस कर ले, तुम जाके कन्विंस कर लो। अरे सुनो, अरे ज्ञान की दुकान यही रहने देना, वहां मत खोल दीजिएगा। हाँ I'm really sorry, Sakshi. God's fair. पता नहीं वो बेबी बेबी करती कहां से आ गई, पर जैसा तेरे और मेरे बीच था ना, वैसा उसके साथ नहीं था, और शायद किसी के साथ भी नहीं होगा। भटक गया था यार मैं, प्लीज यार वापस आ जा। हॉर्मोन्स कहते हैं इससे मैडम। और तुम? तू अब भी इसके साथ है? इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपका प्लान बना रहा था ये? कम से कम मेरी टच तो करता है, उल्टे सीधे सवाल नहीं है इसके दिमाग में। साक्षी से बोल दो हाँ, नहीं तो इसे यही गिरा गिरा के मारेंगे, बता रहे हैं। और आप इसे ट्रस्ट करती है? आपके मन में इसके बारे में उल्टे सीधे सवाल नहीं आ रहे? साक्षी से बता दो मेरा गुस्सा कितना खराब है। और अगर नहीं आ रहे तो आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। हम कह रहे कदर नहीं करता आपकी। हम सिर्फ 10 तक गिनेंगे, उसके बाद ही ये बोला ना। तो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, अच्छी या बुरी खबर के हिसाब से आपकी आंखें बड़ी या छोटी होती है, इसे नहीं दिखता ये। 10 साक्षी बता दे से 10 हो गए। और हम जब आपको ज्ञान देते हैं तो अब यू करती है, इसे नहीं दिखता। 9 8 मम्मी जी जब आपके बारे में बुरा सोच रही थी तब कितनी अपसेट हुई थी आप, ऐसे छोटा मुंह बनाए लिए बैठी थी, इसने नहीं देखा था वो। 7 बाकी सब बता दो इसे, 7 बचे, बाकी सब छोड़ देते ना, तेरे को शुरू करना है तो 7 पर ही शुरू हो जाते। 6 4 3 2 लुका छिपी नैन मटका इश्क एडिक्शन सट्टा, ओ हैप्पी आवर। साक्षी अपना बिल ना अब तुम खुद ही दे देना, ठीक है? वाइन का टांका देसी ठर्रे से, पिस्टल का दिल लोकल छर्रे पे। सॉरी हम कुछ भी बोल गए आपको। छोड़ो ना, हम तो वैसे भी पूरे ही ब्लैंक हो गए हैं। वैसे इम्प्रूवमेंट है, प्रैक्टिस कर रहे थे आप ना? साक्षी हमने कितने भी आम क्यों ना किस किए हो, कोई आम किसर नहीं है। छी, ये तो सुना हुआ है। कुछ और बताओ। टमाटर सूप में कभी हाथ देखा है? ये तो नहीं सुना होगा आपको। कुछ लोग लव को एक इमोशन समझते हैं, एक्चुअली दिमाग में चल रहे मिरर न्यूरॉन्स हैं, जब किसी पोटेंशियल मेट को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो लव होता है। क्यों जोड़िया, सही बोल रहा हूँ ना? नो, आप क्या कह रहे हैं? मिरर न्यूरॉन्स चलती नहीं, ट्रांसमिट होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, डिड यू नो हमारे ब्रेन्स में हजारों करोड़ों, बाय द वे
This is Envy Thousand presents Bindaas Love by Chance, co-presented by Delica. Powered by WeChat. WeChat. My line.